ये गाड़ी सस्ती तभी है क्योंकि इसमें कॉस्ट कटिंग अच्छे खासी कर रखी है, जैसा कि आपने ऑब्जर्व करा। आपको ये चीज महसूस हुई सू सू इस टाइप की आवाज आती है? सीटों की पोजीशनिंग बहुत बेकार है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं नीचे बैठा हूँ। बोनट हल्का सा, मेरे जैसे बंदे को भी हल्का सा विजिबल है, इतना सा। आज हमने ये चीज नोटिस करी क्योंकि इन्होंने नोटिस करी, और इन्होंने क्यों नोटिस करी क्योंकि इनका काम है डिजाइन से रिलेटेड, इसलिए ट्रस्ट था क्योंकि इसके पास अभी तक कोई ऐसा चैलेंज नहीं था। फुल ब्लोवर में चलाया, उसके बाद यहाँ पर हाथ रखने को बोला इन्होंने, यहाँ से लिटरली एयर पास हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ देहरादून के अंदर और देहरादून में मेरे साथ है अभिषेक जी। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है। गाड़ी आपने पहचान ली होगी, मैग्नाइट है, एक्सल वेरिएंट है मैग्नाइट का और टर्बो में है, और टर्बो इंजन आपको पता है मैग्नाइट का कितना जबरदस्त है। और जो अभिषेक जी है वो ऑटोमोबाइल डिजाइन से ताल्लुकात रखते हैं और काफी अच्छे अच्छे ऐसे पॉइंट इन्होंने पॉइंट आउट करे हैं इस गाड़ी से, आपको देखने में मजा आएगा। जनरली उनको हम प्रॉब्लम्स कहेंगे, है ना। तो अभिषेक जी सबसे पहले मुझे एक बात ये बताइए कि गाड़ी आपने कब ली थी, कितने की ली थी और कितने हजार किलोमीटर चला दी है? ये गाड़ी मैंने एग्जैक्ट 7 जुलाई को ली थी। अच्छा। और इसका मेन रीजन भी यही था कि मैंने बहुत सारी गाड़ियां चेक करी और मुझे इसकी डिलीवरी जल्दी मिल गई, विद इन अ वीक मुझे डिलीवरी मिल गई थी। अच्छा। बिकॉज उनके पास ये वेरियंट शोरूम में ऑलरेडी था और ये कलर भी ऑलरेडी शोरूम पे अवेलेबल था। प्लस ये गाड़ी मैंने एक्स शोरूम इसका 740 के अप्रोक्स है, प्लस 840 के अप्रोक्स मुझे ऑन रोड पड़ी है और ये 2500 किलोमीटर अभी तक रन हो चुकी है। अच्छा। विद इन 7 मंथ। और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा ना कि इस सेगमेंट में, इस बजट में काफी गाड़ियां आती है, जैसे प्रीमियम हैचबैक में आप i20 को देख सकते हैं, बलिनो हो गई, और इस बजट में आपकी नेक्सॉन भी आ जाती है बेस मॉडल, ठीक है, थोड़ा सा इससे सुपीरियर कह सकते हैं उस गाड़ी को, है ना। तो उन चीजों को कंसिडर नहीं करा गया आपने? गाड़ियां मैंने बहुत सारी चेक करी थी, बट मेन चीज ये था कि जितनी भी गाड़ी के अंदर एक्सेसरीज और सुविधाएं होनी चाहिए वो इस गाड़ी में मिल रही थी और इस बजट पे, पहली एक चीज। दूसरा, इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा एसयूवी है। अच्छा। एक मिनी हैचबैक या हैचबैक पे कंसीडर नहीं करते हुए एक एसयूवी इसका लुक है और आगे से थोड़ा सा एग्रेशन टाइप का इसका लुक है जो एसयूवी में आजकल दिखने को मिलता है। प्लस सेफ्टी फैसिलिटी इसमें सारी है जो मुझे नेक्सॉन दे रहा था। अच्छा। और नेक्सॉन में मुझे इवन म्यूजिक सिस्टम भी नहीं अवेलेबल था, और म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल नहीं था मुझे, फर्दर कोई यू नो एसेसरीज और ये सब चीजें भी अवेलेबल नहीं थी, वो तो आफ्टर मार्केट हम परचेज कर सकते थे। तो इस व्हीकल में मुझे मेजर जो रिक्वायरमेंट की चीजें वो मुझे मिल रही थी, तो इसलिए मैंने इस पे गया। टर्बो इंजन चूज करने के कुछ खास रीजन बता सकते हैं आप? हाँ, टर्बो इंजन चूज करने का एक मेजर रीजन है कि गाड़ी 1000 cc है, तो मुझे अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा पावर गेन करनी है तो मुझे टर्बो यूज करना पड़ेगा। टर्बो इसलिए मैंने कंसीडर करा कि थोड़ा सा मुझे पावर एक्स्ट्रा मिल जाता है। और ऐसी कंसीडरेशन होनी भी चाहिए क्योंकि एसयूवी इसको बोला जाता है, कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेगमेंट में आती है, और गाड़ी में पावर नहीं होगी तो मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो इसका 1 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें बिल्कुल मजा नहीं आता है, सीधी सी बात है। अगर आपके पास है तो बुरा मत मानना, साफ शब्दों में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, इसमें स्पेस बहुत अच्छा है इस गाड़ी के अंदर। हाँ, स्पेस मैनेजमेंट अगर आप प्रीमियम हैचबैक से कंपेयर करेंगे ना, अच्छा खासा इसमें स्पेस मिल जाता है। और यार एक बात बताओ, आपसे कल हमारी बातचीत हुई तो आप कुछ डिजाइन फ्लॉज बता रहे थे इसके अंदर। हाँ, डिजाइन फ्लॉज इसमें क्या है, इसकी जो गैपिंग है वो बहुत ज्यादा दी हुई है, उनकी जो कॉस्ट है वो उन्होंने इसे डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, अगर डोर का कोई डिपार्टमेंट है वो अगर डिजाइन कर रहा है कोई व्हीकल तो दे कंसीडर की कॉस्ट कटिंग, ओके। पुराना प्लेटफॉर्म जो मेरा गाड़ी का था उससे जो नेक्स्ट जो व्हीकल बनेगी उसमें थोड़ा सा हम कॉस्ट कटिंग करेंगे ताकि वो एफिशिएंट हो और कंपनी को भी वो अच्छा यू नो वैल्यू प्रोवाइड करे, तो इस तरह की कंसीडरेशन होती है। तो इन्होंने क्या करा हुआ, एक दो चीजों में इन्होंने यू नो डोर ट्रिम्स में जो इन्होंने कटलाइन डिफाइन करी हुई है वो बहुत ज्यादा ज्यादा डिफाइन कर दी है, जिसकी वजह से इश्यू ये आता है कि एयर फ्लो इसका इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड हो जाता है। कल इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, एसी को फुल मतलब फुल ब्लोअर में चलाया, उसके बाद यहाँ पर हाथ रखने को बोला इन्होंने, यहाँ से लिटरली एयर पास हो रही थी। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर बीडिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ है? हाँ, बीडिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ है, प्लस जो आपका इन दोनों के बीच का गैप है वो गैप ज्यादा है। सो इस गैप की वजह से ये एयर फ्लो है, प्लस ये बीडिंग जो है ये इन्होंने प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंसुलेशन प्रॉपर नहीं होता, और इंसुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से इसमें एयर फ्लो इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड हो जाता है। अगर आपके पास निसान की मैग्नाइट है और आपको भी ये प्रॉब्लम है, आपने अभी तक नोटिस नहीं करी है, तो आप अपनी गाड़ी में चेक करना, एसी फुल ब्लोअर में चलाकर यहाँ पर आप हाथ लगा कर देखना कि हवा आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर आएगी तो कमेंट में बताना, नहीं आएगी फिर भी बताना। मुझे ये बताइए आपने इस चीज को पकड़ा कैसे?
इसका एक ये सेम चीज मुझे निशान की टीम ने भी मुझे पूछी थी कि ये कस्टमर ने ये चीज कैसे रेक्टिफाई करेगी, यहाँ से एयर फ्लो आ रहा है क्योंकि क्योंकि उनकी जो डिजाइन टीम है उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया और किसी यूजर ने रेक्टिफाई कर लिया डिजाइन क्लॉज कि इसमें जो गैपिंग है वो ज्यादा है और इसको मैंने पकड़ने का एक तरीका है, अगर आपकी गाड़ी किसी क्लोज पार्किंग एरिया में खड़ी है ओके और वो जो पार्किंग एरिया है वहां पे आपकी कोई बाहर साइड की एयर नहीं आती है ओके बाहर साइड से कोई एयर पास नहीं होती है तो आपकी गाड़ी का जो इनसाइड का जो परफ्यूम है वो लीक होगा और जो परफ्यूम की स्मेल है उससे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ अंदर की हवा स्टडी व्हीकल में भी हमारी बाहर आ रही है तो अगर हम एसी चलाएंगे तो ऑब्वियस है वो बाहर आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं हर आदमी यूनिक होता है अपनी पर्सनैलिटी से, अपने स्टाइल से और अपनी पसंद से, और कैसा होगा जब आपकी बॉडी से आने वाली फ्रेग्रेंस भी यूनिक हो और वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है मामा अर्थ के मी परफ्यूम से। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक यूनिक फ्रेग्रेंस मिलेगी आपकी बॉडी से। ये अलग अलग लोगों की बॉडी ऑयल के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है और एक सिग्नेचर सेंट देता है। आप इसे अपने पास इस्तेमाल करोगे तो अलग फ्रेग्रेंस आएगी, या कोई और आपके घर पे इस्तेमाल करेगा तो उसकी बॉडी से अलग फ्रेग्रेंस आएगी और उसे दोहराया नहीं जा सकता। और ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है लेडीज एंड जेंट्स, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है 12 घंटे तक बरकरार रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये एक मेड सेफ सर्टिफाइड फ्रेग्रेंस है, इसमें ना तो किसी ह्यूमंस को नुकसान होगा ना ही इकोसिस्टम को। जब आप इसको अपनी स्किन में स्प्रे करेंगे और जब ये आपकी स्किन में सेटल हो जाएगा कुछ देर के बाद आपको ना रोज और जैस्मिन की स्वीट स्मेल आपको महसूस होगी। इसमें जो है ना फ्रूटी और मस्की नोट्स भी हैं। ओवरऑल जो है ऑसम आपको फील होगा। मामाअर्थ का मी परफ्यूम आपको अमेजन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, नायका और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से भी मिल जाएगा। अगर आप ऐप डाउनलोड करके वहां से ऑर्डर करते हैं तो आपको जो है डिस्काउंट मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, वहां पर अर्ली सेल्स और डिस्काउंट वहां पर मिलते रहती है। और साथ के साथ आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट चाहिए तो ऐप में जाकर आप जो है DDS2022 कोड डालेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। मामाअर्थ से आप कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं उस पेड़ के साथ जो कि वो लगाने वाले हैं, और 2025 तक उनका 1 मिलियन पेड़ लगाने का टारगेट है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। बिल्कुल। और दूसरी बात एसी की इन्होंने करी, एसी की इफेक्टिवनेस भी थोड़ा सा कम रहेगी। हाँ, एसी और एसी को ऑल द टाइम काम करना पड़ेगा अगर आप हॉट एरियाज में रहते हैं तो हो सकता है कि आपका फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हो और मोटे मोटे तौर पे लॉन्ग रन में कंप्रेसर भी जा सकता है इंजन इशू भी आ सकता है। अगर किसी ने इस पे 5 ईयर्स की वारंटी नहीं ली हुई है तो आई प्रेफर कि आप 5 ईयर्स की वारंटी लीजिए। अगर इंजन से रिलेटेड किसी ने वारंटी क्लेम नहीं की है, 5 ईयर्स की जो वारंटी आती है एक्सटेंडेड वारंटी 2+3 की, तो वो दोबारा से आप ले सकते हैं। रीजन ये है कि आपको इंजन से रिलेटेड फर्दर कोई इश्यू आता है तो वो कंपनी रिजॉल्व करेगी। और दूसरी चीज, निसान को जब आपने ये चीज बताई डीलरशिप में, ऑब्वियसली सर्विस सेंटर की बात में कर रहा हूँ, कोई सॉल्यूशन है उनके पास? देखिए उनके पास कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन होता तो अभी तक वो गाड़ी में चेक करके प्रोवाइड कर चुके होते। कुछ उन्होंने यू नो काइजन या फिर सिक्स सिग्मा या कुछ ऐसी चीजें उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करके उन्होंने इस चीज को गैम्बा करके इस चीज को रिजोल्व कर चुका होता, बट अभी तक उनके पास पहले सॉल्यूशन नहीं है या फिर वो बजट रिलेटेड है कुछ ऐसा फंडा जिसे वो रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं। आज हमने ये चीज नोटिस करी क्योंकि इन्होंने नोटिस करी, और इन्होंने क्यों नोटिस करी क्योंकि इनका काम है डिजाइन से रिलेटेड, तो इन्हें पता रहता है कि क्या है क्या नहीं है। और आप अगर अपनी गाड़ी में इसको नोटिस करते हैं तो निसान को मेल जरूर करना, आपकी गाड़ी में सॉल्व हो या ना हो आने वाली गाड़ियों में जो है सही मिलेगा। राइट राइट राइट। और एक चीज मेरे से छूट गई आपसे पूछनी, ये बताइए कि आपको निसान में भरोसा कैसे हो गया? मतलब अभी अभी इनका, अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में कहूं, धंधा पानी, राइट, तो अभी अभी इनका जो है दोबारा से ट्रैक में आए हैं, उसके बाद इस प्रोडक्ट में कैसे भरोसा कर लिया आपने? इस प्रोडक्ट में भरोसा करने का मेन रीजन ये था कि बजट, ठीक है, बजट और ये जो ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, जो फीचर प्रोवाइड कर रहा है और जो स्पेस ये दे रहा है वो दूसरी व्हीकल प्रोवाइड नहीं कर रही थी। मैंने मोस्टली ब्रांड को नहीं देखा मैंने, क्योंकि ये सर्विस मोस्टली ब्रांड की सेम होती है। जैसे अगर टाटा पे जाएंगे तो टाटा भी इतना ही टाइम लेता है इशू को रिजोल्व करने में, या फिर वो टाइम इशू रिजोल्व नहीं कर पाता बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट यू नो वेरी मच इनटू कस्टमर रिलेटेड क्वेरी। तो वो कस्टमर रिलेटेड क्वेरी में इतना ज्यादा इशू नहीं है, उनका क्या है कि वो कितना सेल बढ़ाएं और ये सब चीजों में है, नई व्हीकल कितने जल्दी डेवलप करेंगे, तो इस पे भरोसा करने का मेन रीजन ही था। मैं ब्रांड नहीं देख रहा था, मारुति से तो थोड़ा सा बेटर है क्योंकि निशान एक इंटरनेशनल ब्रांड, राइट, मारुति से बेटर है, टाटा से हम हल्का फुल्का कंपेयर कर सकते हैं, हम ह्यूंडई या फिर आपका यू नो क्रेटा के किसी एक वेरिएंट से कंपेयर कर सकते हैं, नॉट अबाउट दी यू नो मटेरियल एंड ऑल दीस थिंग्स, बट फीचर हम इस पर कंपेयर कर सकते हैं। तो मुझे आफ्टर सेल सर्विस जो है वो आफ्टर सेल सर्विस में थोड़ा सा इस पे इसलिए ट्रस्ट था क्योंकि इसके पास अभी तक कोई ऐसा चैलेंज नहीं था, और चैलेंज मीन्स की उसके पास कोई भी अभी तक एसयूवी नहीं थी जो
इसे इसने अभी तक मार्केट में दी थी और उसके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो शायद इसके लिए चैलेंज था और ये इस चीज को एज ए नेक्स्ट टारगेट लेता और अपना यू नो सर्विस बेटर करते रहता, तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाया। अच्छा। क्योंकि इसका रिव्यू अभी तक मार्केट में नहीं है, कोई खराब रिव्यू नहीं है, कोई यू नो गुड रिव्यू नहीं है, क्योंकि नहीं अभी इसमें व्हीकल उठाई निकाली हुई है। जैसे नेक्सॉन का देखें, नेक्सॉन में बहुत सारे कंप्लेन है, बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, बहुत सारे इश्यूज फीडबैक गए हैं, बट वो चीज अपडेट नहीं करा है। इस गाड़ी पे इसलिए था कि अभी तक कोई इसमें फीडबैक मार्केट में नहीं है, तो हो सकता है कि ये अपना सेल्स को या आफ्टर सेल सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए इस गाड़ी में फोकस करे और अपना सर्विस को प्रॉपर दे। अगर पैर जमाने हैं इंडिया के अंदर बढ़िया तरीके से, तो फोकस करना ही पड़ेगा। और ये आपकी बात मुझे सही लगी कि ये बहुत ही मतलब उनका उम्मीदों के साथ मार्केट में लाया हुआ प्रोडक्ट है, तो वो चाहते हैं कि ये फेल ना हो। देखो इसको क्यों सेलेक्ट करते हैं लोग, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है आजकल जो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट है ना, जहाँ पर नेक्सॉन और एक्सयूवी 3W और जो ब्रेजा स्टैंड करती है, तो उनसे कम कीमत में एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है ये गाड़ी, इसलिए लोग जो है कंसिडर करते हैं। अब साथ के साथ चलाकर देखते हैं इस गाड़ी को, पहाड़ों में इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ के जो बातें हैं कंटिन्यू रहेगी। आइए, तो निसान मैग्नाइट को मैं पहाड़ों में पहली बार चलाने वाला हूँ, और ये आफ्टर मार्केट है ना? हाँ जी, इसमें आता था क्या बेसिक वाला? इस पे खाली नॉर्मल जो FM और ऑडियो है वाला आता था, बेसिक वाला, तो थोड़ा सा बेटर है इससे। अभी गाड़ी खड़ी है, आइडल कंडीशन में है, हल्का सा वाइब्रेशन है, हल्की सी हिल रही है, पैडल में भी वाइब्रेशन हो रही है। और दूसरी चीज ना, इसका पैडल कुछ जरूरत से ज्यादा ऊंचा है, अगर मैं अपनी एडी को फ्लोर में टच करके दबाने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा मुझको प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ, ये चीज है, क्योंकि इसमें या तो ये सीट का इशू है, मतलब सीट इसकी इतनी ज्यादा हाइट में नहीं है, इसकी वजह से ही लगता है, और एडी के साथ आप उसे प्रेस नहीं कर सकते, इसमें रिलीज और यू नो प्रेस करने में इशू आएगा। आप मेरा पैर देखिए, इसको ऐसे उठा के, पैर को उठाकर जो है दबाना पड़ रहा है। वैसे मैं कर सकता हूँ, मेरा जूता थोड़ा सा बड़ा है, मुझे तो आदत है क्योंकि बुलेरो में भी इतना ऊंचा होता है। तो चलिए चलाते हैं और साथ में एसी भी चला लेते हैं। अच्छा, आपने एक एसी की एक और प्रॉब्लम बताई थी। हाँ, एसी इसमें इश्यू क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल ट्रैफिक में चल रहे हैं तो कभी कभार, मेरे पास 3 या 4 बार ये इश्यू आ चुका है, मैंने रिकॉर्ड भी किया है, तो इसको अगर आप चला रहे हैं तो इसकी कूलिंग, एयर फ्लो नॉर्मल रहेगा, कूलिंग जीरो हो जाएगी। ओके, फिर आपको इसे जीरो करना है। ओके, इस जो ये वेंट है, इसे फ्लो को इसे जीरो करना है, ऑफ करना है, देन उसके बाद ऑन करना है, तब ये कूलिंग स्टार्ट करेगा। अच्छा। अगर ये कूलिंग कभी नहीं करता है तो ये इश्यू एक दो यूजर ने और डिफाइन किया और शेयर किया था मेरे साथ, बट वो यूज टू हो गए आई थिंक इसे यू नो इसको रिजोल्व करने में, इसको चलाने में, ऑफ करके ऑन करने में, तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा इश्यू आता नहीं है नॉर्मल रन में। बाकी सस्पेंशन कम्फर्टेबल साइड में है। हाँ, कम्फर्टेबल है, ज्यादा स्टिफ भी नहीं है। हाँ, ज्यादा स्टिफ भी नहीं है, ज्यादा लूज भी नहीं है, कम्फर्टेबल है थोड़े। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आपके पास पहले कोई गाड़ी रही है क्या? पहले ये स्विफ्ट में चलाई थी मैंने, रन करी थी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ फिर, स्विफ्ट और इसके कंपैरिजन में स्टीयरिंग इसका किसका ज्यादा बढ़िया लगता था? स्टीयरिंग मारुति का बेटर है। इस गाड़ी का क्या है कि ये स्लो स्पीड में और हाई स्पीड में एक ही जैसा रिस्पॉन्स करेगा। और जो इनका ये वाला जो वेरिएंट है ना, जिसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट वाला फीचर नहीं आता है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इन्होंने ना सीट कुछ ज्यादा नीचे कर रखा, थोड़ा सा बीच में रखना चाहिए था उनको ना। हाँ, ये सीट थोड़ी सी ज्यादा नीचे, अगर किसी की हाइट कम है तो उसको आगे का बोनट नहीं दिखेगा और वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा चलाने में जो नॉर्मल व्हीकल में आता है। अभी हम 3 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी के अंदर एसी चल रहा है और पावर बहुत प्यारी, पहाड़ों के अंदर भी, मतलब अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही है गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है स्टीयरिंग में। एक नकलीपन सा एहसास हो रहा है, बाकी ब्रेकिंग वगैरह सारी जबरदस्त और सस्पेंशन काफी अच्छे लगे मुझे। थोड़ा सा क्लच में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा यूज टू होने में। क्लच रिलीज होने के बाद भी इसका पैडल ना थोड़ा ऊपर आ रहा है, उठता है। एग्जैक्टली, अगर कोई न्यू लर्नर है उसके लिए वो 30% वाला कॉन्सेप्ट, 20% वाला कॉन्सेप्ट जो इतना रिलीज करे वो इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका एक तो रिलीज बहुत ज्यादा लेट है इस गाड़ी का। टर्बो लैग के बारे में क्या ख्याल है आपका? पहाड़ों में इसमें थोड़ा कंटिन्यूटी में इश्यू आता है, मतलब नॉर्मल अगर आप चलाएंगे तो उसमें, क्योंकि हमें हमेशा यू नो क्लच और ये यूज करना पड़ता है, शिफ्टिंग करनी पड़ती है, तो वहां पे ये टर्बो इतना ज्यादा वर्क नहीं करेगा। अगर आप नॉर्मल हाईवेज में चल रहे हैं जहाँ पे आपको पावर चाहिए, अगर आपको ओवरटेक करना है या फिर ये सब चीजों में, उसमें बहुत बेटर आपको फील आएगा टर्बो का। हाँ, अभी जैसे ना, अभी मैं थर्ड गियर में चला रहा हूँ, थर्ड गियर में अगर आरपीएम 2000 से नीचे है, अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता इसकी जगह तो प्यार से चलता, अभी इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है और हमिंग नॉइज आ रही है गाड़ी के अंदर, मतलब इंजन लग कर रहा है। तो देखो, पहाड़ों में टर्बो वाली जो पेट्रोल गाड़ी है ना,
उसमें ये चीजें तो आपको परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी, आपको हमेशा टर्बो की रेंज में रखनी पड़ेगी अगर आपको पावर चाहिए तो। ऊपर से इसका इंजन है 1000 सीसी का छोटा, देखो स्टेबल भी अच्छी खासी है गाड़ी। हाँ, गाड़ी में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें है कि इसमें जो फीचर प्रोवाइड करें सेफ्टी फीचर्स, वो एस सिमिलर कर रहे हैं नेक्सॉन के जो टाटा प्रोवाइड करता है। अब उसका क्वालिटी क्या है ये हमें नहीं पता, बट मतलब ये जो क्वालिटी कैसी ऑफर कर रहे हैं, ये बाहर के हिसाब से ऑफर कर रहे हैं या फिर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, बट क्वालिटी का इश्यू नहीं है, बट फीचर्स का इसमें दिया हुआ है। फीचर उन्होंने साले हिल साइड असिस्ट, ईबीएस, ईबीडी, रोलिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, एवरीथिंग इज देयर इन द व्हीकल। वो इस पे है आपका टर्बो वेरियंट पे, इससे अगर आप एक्सल नॉर्मल लेंगे तो उसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। आई थिंक फीचर खींच तो बढ़िया रही है गाड़ी। अच्छा, एम आई डी में शो कर रहा है 12.8 किलोमीटर पर लीटर, एक्चुअल में एवरेज क्या दे रही है आपको ये गाड़ी? सिटी में 12.5 और हाईवेज में 16.5। अच्छा, ये 12 टैंक टू टैंक है, अगर टैंक टू टैंक देखें तो वो भी 12 दे रहा है। चलिए अच्छी बात है। और इसके अलावा जो आपने बताई ये दो चार चीजें, और क्या नेगेटिव लगे आपको इस गाड़ी में, और आपको खुल के बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड है इस गाड़ी की। नहीं, इसमें नेगेटिव ऐसा ऐसा नहीं है, बस इसका थोड़ा सा मटेरियल, अगर आपका बोनट आप देखेंगे उसे प्रेस करेंगे तो उसमें लगता है कि हल्का सा हैवीपन नहीं लगता, अगर आप किया उठाएं या फिर नेक्सॉन उठाएं तो उसमें हैवी है, उसका जो बॉडी है वो हैवी है, आपको लगे कि ये थोड़ी फाइबर टाइप की या कुछ ऐसी बॉडी है, बट बेटर देन मारुति। मारुति का अगर स्विफ्ट उठा लें, बलिनो उठा लें, सो बेटर देन मारुति, दिस मटेरियल इज फार बेटर। और अंदर की फिटमेंट कुछ टाइम के बाद हो सकता है ये आवाज करे, क्योंकि मुझे कहीं पे डोर से और कुछ उससे उसके फिटमेंट से आवाज लग रही थी, जैसे मैं अगर डोर का कुछ कोई पैनल उसे प्रेस करूं तो उसमें आवाज मुझे लग रही थी। अच्छा। तो ये हो सकता है कि जैसे थोड़ी गाड़ी चले उसके बाद हल्का सा इसमें एक्सपेंशन आए मटेरियल में, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा साउंड किसी को फील हो किसी को फील ना हो। बाकी मुझे ये बताइए कि फैमिली में कितने लोग हैं और उनके हिसाब से गाड़ी उनके लिए कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है, मैंने मोस्टली हम 5 लोग हैं। मैं एक बार पोंटस आई भी उससे आगे तक मैंने ड्राइव किया था। अच्छा। और हम 5 लोग बैठे हुए थे, इवन सब ऑल आर कंफर्टेबल। लंबे ट्रैवल में भी ये गाड़ी ठीक है, मैंने भी ड्राइव करी है 300 किलोमीटर सिंगल डे में ट्रैवल करा था, तो अच्छा। मुझे उसके बाद ये इशू नहीं हुआ कि कुछ थकावट लगी है या फिर मुझे आराम करना चाहिए और ये सब चीज़ें। देखो अभी मुझे पैडल के साथ मूवमेंट करना है अपने पैरों में, और मैं अपना मतलब इस सीट में बैठा हूँ ना, तो मैं यूं बैठा हूँ, मेरे जो थाई है वो सीट में लग नहीं रहे हैं। आपको भले ही थाई सपोर्ट अच्छा लग रहा होगा वहां पर, क्योंकि आपको गाड़ी चलानी नहीं है, आप अपने पैर आगे करके बैठे हैं, तो ये जो लोअर वेरिएंट्स है जिसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं है ना, सीटों की पोजीशनिंग बहुत बेकार है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं नीचे बैठा हुआ हूँ कुछ ज्यादा, बोनट हल्का सा मेरे जैसे बंदे को भी हल्का सा विजिबल है, इतना सा बस। बाकी परफॉर्मेंस बड़ी प्यारी है, और चलने के बाद कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, जब खड़ी थी हल्का सा महसूस हो रहा था पैडल वगैरह में और स्टीयरिंग वगैरह में, तो चलने के बाद तो अच्छी चल रही है। इनवन एसी में भी अच्छी चल रही है, अभी तो खैर बंद कर दिया, ठंड हो गई, एसी में भी पहाड़ में खिंचाई इसकी अच्छी है, बट यार आधी हवा तो बाहर निकल जा रही होगी। हाँ, ये प्रॉब्लम है इस पे, कूलिंग इसकी इफिशिएंट नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप, ये कभी चक्कर लगा निसान के सर्विस सेंटर में सर्विस के? हाँ, मैं इवन अभी कुछ टाइम पहले ही गया था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? ठीक है, दे आर गुड, मतलब उनका ये डिपेंड करता है कि टीम टू टीम, एक्चुअली वहाँ पे जो जीएम है और मैनेजर हैं वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरे हिसाब से निशान की सर्विस बेकार नहीं है, वो क्या करते हैं सारा ये जो टारगेट है ये जो ये सारी चीजें ये अपने टीम को दे देते हैं, मतलब टीम मीन्स की जो डीलर है, और डीलर विल अरेंज ऑल दीज थिंग, बाकी सर्विस करना गाड़ी का और ये सब चीजें ये सारी नॉर्मल सारी सेम रहती है मोस्टली सर्विस सेंटर्स में। तो उनके साथ मैंने डिस्कस किया था एसी वाला इशू, उन्होंने बोला कि हमें तो अवेयर हम है नहीं अवेयर कि ऐसा लीकेज है डोर से, इवन कोई भी सर्विस सेंटर अवेयर नहीं है मेरे हिसाब से इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये अभी तक कहीं पे आया हाईलाइट नहीं हुआ है, सिर्फ मेरी तरफ से एक लेटर गया है। अच्छा। अदर देन कि किसी और से मैंने नहीं सुना आज तक ऐसा कुछ। तो NVH की बात करें तो थोड़े बहुत रेटलिंग जो आ रही है ना, ये इन्होंने ये लगाया हुआ है इससे आ रही है, आप थोड़ा सा मिसगाइड मत होना, ये आवाज कर रहा है। और दूसरी चीज ये है, NVH लेवल की अगर हम बात करें तो आवाज आती है, आपको ये चीज महसूस हुई
सू सू इस टाइप की आवाज आती है। अगर इसमें अगर आप रेनी सीजन में या फिर जब आपका रेनी सीजन चलता है उस टाइम पे अगर आप इसे ट्रेवल करेंगे तो अगर आपकी आपने म्यूजिक की साउंड 6-7 करीब है तो आपको म्यूजिक सुनाई नहीं देगा। अच्छा, रीजन ये है कि इसमें बाहर की साउंड अंदर अच्छी खासी आती है, वही मैंने बोला ना इंसुलेशन और जो यू नो साउंड प्रूफनेस है वो चीज प्रॉपर नहीं। कैबिन नॉइस, कैबिन में अच्छी खासी नॉइस है, इंजन की नॉइस आपको सुनाई देगी थोड़ी बहुत, बाहर की नॉइस भी आपको सुनाई देगी अच्छी खासी। अगर साइड से कोई बाइक वाला बात करते हुए निकल रहा है तो आपको वो चीज सुनाई देगी कि हाँ साइड में किसी ने बात करी है। अभी आप ई रिक्शा में बैठे हैं क्या? उस हल्की सी आवाज करते हुए चलता है ना, और ऑल द टाइम ये आवाज इसमें आ रही है। जब थोड़ा सा एक्सेलरेट भी कर रहा हूँ तब वो थोड़ी आवाज बढ़ जा रही है। ये ऐसा लगता है कि मैकेनिकल पार्ट्स में रिफाइनमेंट नहीं है। और साथ के साथ जो है ये गाड़ी सस्ती तभी है क्योंकि इसमें कॉस्ट कटिंग अच्छी खासी कर रखी है। जैसा कि आपने ऑब्जर्व करा सारी चीजों को देखते हुए, जो गैप वगैरह बता रहे थे, बीडिंग वगैरह बता रहे थे, है ना, तो रीजन यही है कॉस्ट कटिंग सबसे बड़ा, लेकिन वैल्यू फिर भी ऐड करती है। कम पैसों में आपको जो मेन मेन चीजें हैं, इंजन ठीक ठाक इसमें मिलता है, जो ये 1 लीटर का जो टर्बोचार्ज इंजन है, बाकी एवरेज भी अच्छा निकाल के दे देती है, और सर्विस कॉस्ट भी मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा है, इसकी 4-5 हजार से ज्यादा 4000 के अप्रोक्स है इसकी सर्विस कॉस्ट, 4000-4500 अगर आपका बहुत ज्यादा मेजर पार्ट चेंज नहीं है तो इतना अप्रोक्स आएगा इसका। तो ये है कहानी निसान मैग्नाइट की, और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है, कितने परसेंट आप खुश हैं, कितने परसेंट आप ना खुश हैं, ये बताइए। 1-10 की रेंज में अगर इसे रेटिंग करूं तो 7.5 मैं इसे दे सकता हूं। अच्छा, वो भी इसलिए कि मेरी गाड़ी टर्बो है, प्लस मुझे बेसिक सेफ्टी फीचर मिल रहे हैं इसमें, 4-स्टार रेटिंग ये व्हीकल है, और इसमें स्पेस अच्छा खासा मैनेज हुआ है, और मटेरियल इसका इनसाइड मटेरियल आउटसाइड मटेरियल थोड़ा बेटर है अदर व्हीकल से जो इंडियन सड़कों पे चल रही हैं उनसे थोड़ा सा बेटर है। नेक्सॉन से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि नेक्सॉन इज उसे हम देसी टैंक बोलते हैं, तो उसका मटेरियल इवन फार बेटर, उसका डोर ही बहुत ज़्यादा हैवी है, इसका डोर इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, बट ये है कि ठीक है 7.5 हम दे सकते हैं इसे एक SUV की रेंज पे। थोड़ी सी हमिंग नॉइज भी है गाड़ी के अंदर, ये ऑब्जर्व करा मैंने इतनी सी जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, ओवरऑल जो जितने पैसे देंगे उस हिसाब से जो है आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। प्रीमियम हैचबैक वगैरह में आपको ना तो ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है इसकी जितनी, ना ही आपको जो है ऐसी परफॉर्मेंस मिल पाती है क्योंकि उनमें नेचुरली एस्पिरेटेड आता है इस प्राइस रेंज में। तो ये है अभिषेक जी का ओनरशिप एक्सपीरियंस गाड़ी को लेकर। आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आज की वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू अभिषेक जी, आपने बहुत ही जबरदस्त बढ़िया और यूनिक इनपुट दिए इस गाड़ी के लिए। और आप लोगों को ये चीजें अपनी मैग्नाइट में अगर महसूस हो, आपको देखने को मिले, तो कमेंट जरूर करना और निसान को मेल जरूर करना। हाँ, राइट, हाँ ये मस्ट है। हाँ।